बोलते हैं। अच्छी बात ये है कि गांधी जी ने खादी की तरह समय सदुपयोग के बारे में कोई जोर देकर ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को समय बर्बाद करने में असुविधा महसूस हो, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने संस्थान बनाने वालों के साथ अन्याय किया है। वरना अब तक समय आश्रम जैसी कई संस्थाएं खुल चुकी होती। नमस्कार भैया। अरे आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ आइए आइए। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। और सुनाए, तो कल यूपी के चुनाव में किसको वोट देके आए? भाई साहब मैंने तो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया। अब वैसे अभी पार्टी में गुंडे मवाली ही भर्ती हो रहे हैं, अब क्या फर्क पड़ता है। खैर छोड़िए, आप बताइए आपका खादी का कारोबार कैसा चल रहा है? अब काम का क्या भाई साहब, आपके सामने देख लीजिए, दिन भर में इकता दुक्का ग्राहक ही आता है। और वैसे भी यहाँ तो टेम्परेरी खादी प्रेमी आते हैं भाई साहब। टेम्परेरी ये क्या होता है? अरे मतलब की है श्रीमान की लखनऊ की बस पकड़ने से पहले धड़धड़ाते हुए आए, पैंट कमीज उतारी, सफेद कुर्ता पजामा खरीदा, पहना, टोपी लगाई, सड़क पर उतरे, लखनऊ जाने वाली बस रुकवाई और चढ़ने से पहले कहते हैं, हां भैया आते समय हम अपनी शर्ट और पैंट लेते जाएंगे और सीधे लखनऊ। कमाल करते हो भैया, मानना पड़ेगा। भाई साहब अब आपका किस्सा सुन के मुझे भी अपना किस्सा याद आ गया। हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। भाई साहब हमारे यहाँ तो एक से एक खतरनाक आदमी आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक नामी ग्रामी गुंडा हमारे पास आया और हमको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया। गाड़ी जैसे ही लखनऊ में दाखिल हुई वो गाड़ी रुकवा कर एक गन्ने के खेत में चला गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, और थोड़ी देर बाद कहा देखते हैं वही गन्ने के खेत में से एक मंत्री निकला। हाँ भाई साहब। और भाई साहब उसका पता है, सर खादी टोपी में, पैर खादी के पजामे में, बदन खादी के कुर्ते में और पैर गांधी चप्पल में। मैंने उससे पूछा, ये क्या भैया तुम तो यार बड़े उस्ताद निकले, तो पता है वो क्या कहता है? कहता है जरूरी है, जरूरी है भाई साहब, जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग वोट कैसे देंगे? ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई साहब ऐसा भी होता है। नहीं, किससे यार? भाई ये तो आपने देखे खादी की हालत, अब जरा अंग्रेजी की हालत सुनाते हैं आपको। हम दिल्ली वाले ना जब किसी छोटे गांव या कस्बे में जाते हैं तो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है जैसे पुराने समय में किसी तीर्थ यात्रा या हज से लौटकर आए व्यक्ति के साथ होता था। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम हिंदुस्तान के दिल दिल्ली की रग रग जानते हैं। प्रधानमंत्री से ना सही तो मंत्रियों से तो मिलते होंगे, मंत्रियों से ना सही तो उनके चमचों से तो टकराते ही होंगे। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अखबार में छपी हर खबर के पीछे छिपी असली खबर हम जानते हैं। भाई लोग हमसे वो सब सुनना चाहते हैं जिसकी जानकारी हमें ही नहीं है। तो ऐसे ही एक दिन अकबर इलाहाबादी पहुंचे अपने यूपी के एक मित्र वकील साहब के यहाँ उनसे मिलने। सलाम अलैकुम वकील मियां। आओ, कैसे हो? जी बढ़िया। सब खैरियत? सब खैरियत। कब आए? जी परसों। सुनाओ दिल्ली के क्या हाल? फिर वही दिल्ली। अरे आप लोग दिल्ली को भूल क्यों नहीं जाते हो? ये क्यों नहीं कहते कि दिल्ली जाए चूल्हे भाड़ में? यहाँ के हाल सुनो। जी दिल्ली में कोई खास बात नहीं, बिजली तो आती होगी। हाँ हाँ बिजली पूरी आती है। यहाँ तो साली दिन दिन भर नहीं आती भाई। सुनते हैं इधर के बिजली काट कर दिल्ली सप्लाई कर देते हैं। जी होता होगा। अजी होगा नहीं है भाई, इधर के पढ़े लिखे लोग नौकरी करने दिल्ली चले जाते हैं, इधर का माल निकले दिल्ली चला जाता है और इधर के मजदूर मजदूरी करने दिल्ली चले जाते हैं। क्यों दिल्ली से यहाँ कुछ नहीं आता है? आता है हुक्म आदेश। और आप कहते हैं कि दिल्ली में कोई खास बात है? अरे मियाँ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिल्ली में हर वक्त हर कहीं कोई ना कोई खास बात रहती है। खैर छोड़ी जाने दीजिए, आप बताइए आप आजकल क्या कर रहे हैं? मियाँ सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल खोल दे। बताओ कैसा आइडिया है, दिल्ली में तो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल है। लेकिन मेरा मतलब क्या कुछ स्कोप है? अजी स्कोप ही स्कोप है, आज शहर में 8 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सारे के सारे खचाखच भरे रहते हैं भाई। 1000 रुपए महीने से कम कहीं फीस नहीं लगती, और गलती से अगर 100 बच्चे भी आ गए तो फीस ही फीस के मिला के 1,00,000 रुपए महीना हो गया। टीचरें रख लो 8-10, उनको थोड़ा बहुत दिया जाता है। मकान वकान का किराया निकाल कर अगर 50-60 हजार महीना भी मुनाफा रख लो तो इतनी आमदनी और किस धंधे में होगी? और फिर 2 टीचर तो हम घर के ही हैं। घर के कौन कौन? मैं और सईद। सईद मियां भी? तो उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट में अंग्रेजी की अब यही हालत है। एम को एम, एन को एन और बी को भी बोलने वालों और अंग्रेजी के बीच का रिश्ता एक असो
क्या करे जनाब, ये प्रेमिका दिन प्रतिदिन सुंदर से अति सुंदर होती जा रही है और प्रेमी असफलता के नीचे सीढ़ियां लुढ़कता ही जा रहा है। खैर ये तो हुई सबकी हालत, इसकी तुलना में अगर सईद मियां की हालत की बात की जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है भाई। जब पढ़ते थे तो अंग्रेजी का नाम सुनते ही किसी नए नाते गए बछड़े की तरह पिटकते, ग्रामर का नाम सुनते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम, कुछ शब्द तो क्या बताएं उन पर गोली से ज्यादा असर करते थे, जैसे पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। सईद मियां अंग्रेजी के अध्यापक को कसाई और अपने को बकरा समझते थे। भाई हमें इन इंग्लिश स्कूल वालों का सिस्टम अच्छा लगा भाई, रटा दो लड़कों को, दे दो सालों को होमवर्क, माँ बाप कराए नहीं तो टीचर रखे हमारे ठेंगे से, अगर बच्चा होमवर्क ना पूरा करता हो तो माँ बाप को खींच बुलवाओ और फिर समझाओ कि मियाँ बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़वा रहे हो, भाई हंसी मजाक नहीं है, फिर कसकर फीस लो, आज इस नाम से तो कल उस नाम से, भाई टीचर फंड, फर्नीचर फंड, बिजली फंड, कूलर फंड, ये फंड वो फंड एंड फंड फंड। मिलेगी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी।